ईद हो और मैं नहीं रहा हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। सो हमने चांद रात में अप्लाई की मेहंदी अपने दोनों प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों पे, और प्रभा ने अपने हाथों पे खुद अप्लाई की। उसके बाद आया ईद का दिन और हम होने लगे तैयार सुबह सुबह ताकि हमें ढेर सारी ईदी मिल सके। छोटू भी उतना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं तैयार होना चाह रही थी। सो मम्मा ने मुझे जल्दी से रेडी किया मेरे ईद के ड्रेस पे, विच वॉज वेरी प्रिटी। और रेडी होने के बाद मैं सब लोगों के पास गई ईद मिलने के लिए। पहले हमने खींची कुछ तस्वीरें जब मम्मा और बाकी लोग तैयार होकर आ रहे थे। माई ईद ड्रेस वॉज रियली प्रिटी, इट वॉज फ्रॉम मारिया बी और बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत ही कम्फर्टेबल चुम्बी नहीं रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने तस्वीरें खींची और ज़्यादा, और तस्वीरें खींचने के बाद आया वो टाइम जब हमें मिली ढेर सारी ईदी। दादी और दादा ने हम सबको पहले ईदी दी और हम लोगों की वो सारी ईदी मम्मा ने ले ली। बट हु केयर्स, उस ईदी से जाकर मैं शॉपिंग करूंगी, सारे के सारे टॉयज खरीदूंगी। फिर मम्मा पापा ने हम लोगों को ईदी दी और हम लोगों को ईदी में ढेर सारे टॉयज दिए और हम लोगों ने टॉयज से बाद में बहुत ज़्यादा खेला। फिर आई बारी ताया ताई की, और ताया ताई ने भी हम लोगों को ढेर सारे ईदी में टॉयस दिए और मुझे अपने टॉयस बहुत अच्छे लगे। एंड वी हैड सो मच फन लेटर ऑन विद ऑल दोस टॉयस। अच्छा, इट्स रियली अमेजिंग, हमें ताया ताई और मम्मा वम्मा पैसे नहीं देते ईद पे बल्कि टॉयस देते हैं, और ये अच्छा भी है। पैसे तो मम्मा लोग रख लेते हैं, टॉयस का ये फ़ायदा है कि हम खेलेंगे बाद में और हम खूब इंजॉय भी करेंगे। Let's open all my toys and see what I really got. Oh, it's a really pretty bag जो ताई ने मुझे दिया। I loved it. Now it's time to open my another gift. Meanwhile, सभी का गिफ्ट खोल रहे थे बाबा और सभी को मिला matching truck, fire truck, and he was super excited. और मुझे मिला my all time favorite makeup. Oh wow, it was really beautiful. अलीजे को भी मिला मामा की तरफ से मेकअप। हम दोनों को मेकअप बहुत पसंद है इसलिए हम दोनों हमेशा मेकअप की डिमांड करती हैं ऑल द गिफ्ट्स में। उसके बाद बाबा ने सभी ने जोड़ा अपना फायर ट्रक एंड इट वॉज रियली अमेजिंग, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। उसके बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट और रेस्ट करने के बाद हम उठे और रेडी होके हम लोग गए बाहर बारबेक्यू करने के लिए। हमने प्लान किया था कि ईद का पहला दिन घर में क्यों गुजारे, सो वी थॉट कि लेट्स गो एंड डू बारबेक्यू। तो हम लोग पहुंच गए मुनाल की सड़कों पे, वैसे मुनाल नहीं, मार्गला हिल्स की सड़कों पे, पता नहीं हम इसको मुनाल की सड़क क्यों कहते हैं लेकिन खैर। सो वी वर ऑल द वे टू द टॉप टू इन्जॉय आवर बारबेक्यू। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश होने वाला सीन था और हम लोगों को ये भी उलझन थी कि बारिश हो गई तो हमारा बारबेक्यू फेल ना हो जाए। लेकिन 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 वी फाइनली रीच्ड आवर बारबेक्यू एरिया। हमने जाके सारा सामान ले आउट किया, सब चीज़ें सेट की और हम लोगों ने मौसम को खूब इंजॉय किया जब तक हम लोग इंजॉय कर सके। दादा ने बारबेक्यू सेटअप किया और बारबेक्यू को ऑन करने की कोशिश जारी की। यस, आर दादाजी इज सुपर हीरो, ही नोज हाउ टू डू थिंग्स इन अ गुड वे और वो हमेशा हमें इंजॉय कराते हैं, बेशक वो ईद हो या कोई और फंक्शन हो। सो ये लगी आग हमारे बारबेक्यू के कोयलों को एंड मम्मा और दादी बना रहे हैं कोयले पीछे और हम यहाँ लगा रहे हैं आग। ये बन रही है हमारी बोटी, तेरी तेरी बोटी
और उसके बाद हम लोग खेलने लगे वहाँ पर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो हमने कहा बड़े करें अपना सारा काम और हम करें ढेर सारा खेल एंड फन। इट वॉज सुपर क्लाउडी और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम भी था, लेकिन अचानक से हुआ मौसम में तब्दीली। जो बादल अभी सिर्फ गरज रहे थे वो ऑल ऑफ अ सडन बरसना शुरू हो गए। पहले थी हल्की हल्की बारिश, सो वी थॉट कि चलो हमारा बारबेक्यू ऑन हो गया है सो चलता रहेगा। सो वी थॉट कि मम्मा पापा को काम करने देते हैं और हम लोग खेलते हैं, और मैं सभी और अपने सारे कजन से हम लोग खेलना शुरू हो गए। फिर हमें ठंड लग रही थी तो हमने थोड़ी सी आग भी सेकी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ढेर सारी बारिश होना शुरू हो गई ओलों के साथ, और इतने ओले पड़े कि हम लोगों ने जल्दी जल्दी भाग कर गाड़ी में जाके शिफ्ट होने का फैसला किया। और हमने सारा बारबेक्यू वाइंड अप किया, सब चीज़ें वाइंड अप की, हर चीज़ उठाई क्योंकि सब चीज़ें गीली हो गई थी, बारबेक्यू की आग भी हमारी गीली हो गई थी। सो वी थॉट टू जस्ट पिक एवरीथिंग अप एंड रैप अप और चले हम आज हम बारबेक्यू नहीं करेंगे। हमारे सारे प्लान्स अधूरे रह गए और हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमें कहीं से सूरज की रोशनी नजर आई और वी डिसाइडेड कि यार चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, फिर बारिश हुई तो देखा जाएगा। सो वी स्टार्टेड ऑफ अगेन, फिर से हमने लगाई सीखे और हमने जलाई आग और हम कामयाब हो गए। और फिर ऑल ऑफ अ सडन अल्लाह ताला ने हमारी हेल्प की और वहाँ से बारिश का मौसम हट गया और ढेर सारी धूप आ गई और हमने इतना मज़ा किया, इतना मज़ा किया कि कोई हद नहीं। बड़ों ने बनाया ढेर सारा मज़े का यम्मी यम्मी बारबेक्यू और हम लोगों ने फन किया। पहले तो हम देखते रहे कि ये बारबेक्यू बनता कैसे है, देन वी थॉट कि यार चलो हम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो मैं और अलीजे पहुंच गए अपनी अपनी सीखें लेके कबाब की बाबा और दादा को देने के लिए कि हमारी सीखें बनाकर हमें जल्दी से दे, क्योंकि हमें ढेर सारी लगी थी भूख। दादा और बाबा ने जल्दी जल्दी से हमारी सारी की सारी सीखें रख ली और उनको तैयार किया, और जैसे ही वो तैयार हुई उस टाइम तक हम लोग थोड़ा सा डांस करना शुरू हो गए क्योंकि वी वर हैविंग सो मच फन। इतना अच्छा मौसम था, गर्मी भी नहीं थी खास, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमारी सीखें होने लगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी, सारी सीखें तैयार थी, बस इनको जलाना था और पकाना था। और हमारी सीखें हुई तैयार और हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया एंड इट वाज सुपर यमी, बहुत मज़ा आया। फिर अचानक से वहाँ बंदर आ गए, इतने ज़्यादा बंदर आ गए, लेकिन खैर वो बेचारे सारे बंदर हमसे डर के दरख्तों पर चढ़ गए। और हमने खाना खाने के बाद जल्दी से वाइंड अप किया कि ये ना बंदर नीचे आके हम पर अटैक ही कर दें। सो वी थॉट टू वाइंड अप और हमने सारी क्लीनिंग की। मेरे और लीजे ने सारा कचरा उठा के लिफाफे में इकट्ठा किया क्योंकि कचरा नहीं बचाना। आपने जब भी बारबेक्यू या कोई ऐसी चीज़ करनी है या कोई ऐसी आपने पिकनिक करनी है तो हमेशा एंड में सफाई करना आपके लिए मस्ट है, सफाई नफ्स ईमान है। सो हमने सारा कुछ क्लीन अप किया और उसके बाद दादा ने बारबेक्यू ट्रे को ठंडा किया, और ये बहुत ही मज़े की टेक्निक थी ठंडा करने के लिए। एंड वी टाइडी अप एवरीथिंग, पैक्ड अप एवरीथिंग और जल्दी से हम भागे गाड़ी की तरफ क्योंकि बंदर हो रहे थे बहुत ही उतावले नीचे आने के लिए, क्योंकि उनको सारा खाना चाहिए था जो हम लोग खा रहे थे। हमने की मम्मा बाबा की हेल्प और हमें जल्दी से सारी चीज़ें वाइंड अप करके गाड़ी की तरफ लेके गए और हर चीज़ हमने पैक करके गाड़ी में वापस रखी, सफाइयाँ की, बाबा ने गाड़ी फिक्स की, सारी चीज़ें टाइडी अप हो गई एंड वी हैड सो मच फन इन आवर बारबेक्यू। बहुत मज़ा आया, ईद का पहला दिन हमारा बहुत मज़े का गुजरा, वी हैड सुपर फन। और मज़े की बात ये थी कि पापा ने गाड़ी बहुत नीचे लेके थे सो उसको वापस ऊपर चढ़ाया, और 30 मिनट बंदर भी नीचे आया और 30 मिनट हमारी गाड़ी पे ऊपर आई और बंदर भागे हमारे खाने की तरफ और हम भागे अपने घर की तरफ। वी हैड सो मच फन, बाय बाय।